सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी गाइस मैं घुमा रहा हूँ चिंकी को सुबह सुबह, और कल का दिन भी सोया रहा, रात को भी सो गया, और सो के हालत ख़राब हो गई है। तो सुबह सुबह हम लोग आ गए हैं सैर करने, और अभी टाइम 8:30 हो रहे हैं। तो मेरा पिछला ब्लॉग मैंने डाल दिया, वो आप देख लेना, जागरण वाला ब्लॉग। तो बस यही है, चिंकी कर रही है कुछ, लगा रही है अपना जुगाड़ घूमने का, लेकिन इसे बस देख रही है। अभी इस साइड में इसे पहली बार ही लेके आया, इस साइड में लेके नहीं आया इसे पहले कभी। सो गाइज, अभी हम लोग जा रहे हैं अपने खेतों की तरफ, और शाम के बज रहे हैं 3:30, 2:45 बज रहे हैं, और बकरी भी साथ में चरानी है हम लोगों ने। बकरी को भी घास खिलाना है, और खेतों में काम है छोटा सा, वो करना है। चलो चलते हैं खेतों में, कुछ करते हैं। मम्मी जी चले हैं आगे बकरी को लेके, और चिंकी भी चली है साथ में। मैंने इसे खुला छोड़ दिया, वैसे लेके आया था साथ में, लेकिन खुली घूम लेगी खुले में। ओ भाई, यहाँ पे आज कुत्ता बांधा होता है ये, तो वो देखो सामने। नो, तू नहीं मानेगा भाई, तू नहीं मानेगा, तेरे से डर लग रहा है मेरे को। छूट गया तो गया काम से। और ये है गाड़ी, और ये लग रही है मुझे गाड़ी की आंख। ये गाड़ी आज इसलिए यहाँ पे खड़ी की हुई है क्योंकि जो नीचे नाला है वो पुल टूटने वाला है, और उसकी वजह से चलाते चलाते अगर कहीं टूट गया या फिर कुछ भी हो गया तो गाड़ी उधर ही रह जाएगी, फिर पुल बनेगा या नहीं बनेगा। तो इस वजह से इन्होंने इधर ही लगा दिया ये, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, और कहीं भी जाना हो तो यहीं से निकल जाएं, क्योंकि नाले के पार उनके घर है ना, इस वजह से। चलो कदरी, चलो खेतों में, चलो खेतों में। चिंकी के तो मज़े हैं आज, खुले में घूम रही है। मेन काम करने आए थे वो यही था, इसे जलाना था। वाह, क्या मेन काम था ये, वाह वाह वाह, क्या बात है। और ये था मेन काम, आप देखो। और है मम्मी जी कुछ काम? और क्या, बहुत काम। और क्या? ये घास उठाना। घास उठाना और ये जला देना, बस। तो गाइस यही काम है, घास उठा के जलाना। और कहाँ जलाएं, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा घास, हमका नहीं दिखाई दे रहा घास। तो ये है गाइस हम लोगों के खेत सामने से आगे तक, लेकिन हमारे तो इतने ही हैं, लेकिन हमारे ताए चाचा के पूरे ऊपर तक हैं। सभी के मतलब बंटवारा हुआ था बीच में, तो बराबर बराबर सभी को बांटे हुए हैं खेत। और हमारी कदरी वो चल रही है, और चिंकी वो कर रही है, वो देखिए घूम रही है, है? पता नहीं। तो ये आग मुझे बुझती हुई नज़र आ रही है, और दोबारा से मिट्टी का तेल, और चल रहा है चिंगारी का प्रकोप। चिंगारी जैसे ही जलेगी तो सुलगेगी, या जैसे चिंगारी तो जलेगी आग, और फिर से एक बार आग धिधकती हुई दिखाई दे रही है, और उसमें उसे धधकाने के लिए धधक धधक हो गया, मिट्टी का तेल उसमें ठूस ठूस के डाला जा रहा है, धधक धधक हो गया, देखिए। वाह जी वाह, धधक धधक हो गया। सामने बंदे चले हुए हैं चिंकी, उनसे खेलने की कोशिश कर रही है, मुझे लगता है उसके पीछे नहीं चली जाएगी कहीं पर, इसका कोई मतलब। ओ देखिए, ओ वाह, क्या मस्ती चली हुई, वाह वाह वाह। ये बकरी के साथ जाके खेलने की कोशिश कर रही है, बकरी डर रही है ना। मजे हैं, मजे हैं, मजे करो। चलो चलते हैं चिंकी के पास, भगाते हैं चिंकी को। ये नहीं आई हाथ, खाना भी तो बचाना है, रात को सोना भी तो है, नींद भर के। ओहो,
बैठ के बैठिए, ये ले आजा आजा आजा, पकड़ने की कोशिश करते हैं चिंकी को और ये देखिए कैसे भागेगी हमारे हमले से। ये देखिए बच्चा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इसे पकड़ नहीं पाया हूँ। नहीं भाई नहीं 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 कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, आगे 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 आगे, ये यहाँ पे इसने। तो गाइस मैं यही बात कर रहा था कि हम जब छोटे होते थे तो अपना खेलते थे मज़े से और काफ़ी अच्छा इंजॉय करते थे। दूसरी बात गाइस, मैं लोगों के खेतों में ज़्यादा रहा हूँ और अपने खेतों में कम रहा हूँ। जब मैं छोटा होता था तो हमारे खेत ना मम्मी जी ने दूसरों को काम करने के लिए दे दिए थे। हम लोग मतलब इसमें काम नहीं करते थे, इनमें जो भी है फसल नहीं उगाते थे, दूसरे कोई उगाते थे। तो मैं लोगों के खेतों में बड़ा रहा हूँ, दो दो दिन रात को भी वहीं रहना, दिन को भी वहीं रहना और लोगों के काम करने। बचपन में मतलब खेलना ही, काम वाम क्या, थोड़े काम कर लेने, थोड़ा खेल लेना, तो ऐसा कुछ चला था। लेकिन जैसे ही बंदा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है ना, उतना ही वो उलझनों में फंसता चला जाता है। उलझन तो नहीं है लेकिन उलझन ही है, अगर बंदा उस चीज़ को समझदारी से ले तो कोई बड़ी बात नहीं होती, और समझदारी से ना ले तो बड़ी बात ही होती है। तो लाइफ में आगे तो बढ़ना ही पड़ता है कुछ ना कुछ, तो अब वो बंदा बढ़ेगा नहीं तो फिर वो पीछे पीछे क्या रहना, आगे पीछे वैसे या तो माजरा कुछ भी नहीं है, या तो सब कुछ जीरो ही है, लेकिन इंसान की बनाई हुई चीज़ें हैं भाई। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे ही बंदा बड़ा धीरे धीरे बड़ा होता जाता है ना, वो अपनी उन यादों से बिल्कुल अलग हो जाता है जो उसने बचपन में बिताई होती हैं। और बचपन में बिताई हुई यादें सच्ची होती है, और जैसे जैसे बड़ा हो जाता है बंदा तो वो यादें मुझे लगता है जहाँ तक वो दिखावा हो जाएगा, उसके मन में ईर्ष्या भाव पैदा हो जाएगा और भी कितने सारे थाट्स आ जाएंगे। तो कुछ भी है पता नहीं, कुछ भी है भी और नहीं भी है, चलो छोड़ो उन बातों को। सो गाइस हम लोग अभी घर जा रहे हैं और मैं ले आया हूँ लकड़ी घास, और मम्मी चल रहे हैं आगे। वो देखिए सामने बकरी चरा के हम लोग आ गए थे घर, और उसके बाद हमने खाना वाना बनाया। आज मैंने बनाया एग करी, और जब फ़ोन चार्जिंग पे लगाया था मैंने तो अभी सब कुछ खाना वाना हो चुका है और बस सोने जा रहे हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर 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 कर दें ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए, ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे जैसे जैसे टाइम धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आते जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।